दिस इज द 2025 ट्राइम्प स्पीड 400। ट्राइम्प ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, प्राइस में भी थोड़ा सा गैप आया है, बट ये आज की मेजर हाईलाइट नहीं है। मेजर हाईलाइट है आज की ये ट्राइम्प स्पीड 400 T4। अब ट्राइम्प ने आज इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है, किस प्राइस में लॉन्च किया है और साथ ही क्या क्या चीज़ें आपको इससे कम या इससे ज़्यादा मिलने वाली हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम ड्राइव की एक और वीडियो में, मेरा नाम है आयुष। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइम्प स्पीड 400 T4 के बारे में। सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिज़ाइन आपको इसका स्पीड 400 जैसा ही दिखाई देने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो है 400cc की इसके अंदर बैजिंग मिलने वाली है। स्पीड T4 की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलने वाली है। अब एक मेजर हाईलाइट जो है वो है इसके अंदर इसका इंजन। इसके अंदर सेम आपको 398cc का इंजन मिलता है जो कि लिक्विड कूल्ड है। अब इसके अंदर पावर फिगर्स थोड़ी सी जो है कम कर दी है। इसके अंदर जो है 30.6 ब्रेक हॉर्स पावर आपको 7000 rpm पर मिल जाती है। वहीं इसके अंदर टॉर्क की बात करें तो 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 5000 rpm पे इसमें मिलने वाला है। अगर नॉर्मल स्पीड की बात करें उससे थोड़ा सा कम rpm पर इसके जो है पावर फिगर्स डिलीवर होती हुई दिखाई देंगी। जहां इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं, इस स्पीड 400 की आपको टॉप स्पीड जो मिलती है वो है 145 km/h। वहीं इसकी टॉप स्पीड आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी, वो है 135 km/h की। इसकी प्राइसेस को जो रखा गया है वो रखा गया है 2.17 lakh rupees। अब उससे जो है ये काफी सस्ती है, जहां उसके प्राइसेस को 2025 वर्जन के प्राइसेस को जो रखा गया है वो रखा गया है इसमें 2,40,000 rupees को, उसको जो है 5,500 rupees महंगा कर दिया है। वहीं इस मोटरसाइकिल को जो है आपको 2.17 lakh rupees में ही मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रंट वगैरह के बारे में बात करें तो आपको हेडलाइट सेटअप बिल्कुल इसके अंदर सेम दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल आपको LED वाला ही इसके अंदर सारा सेटअप दिखाई देगा। चाहे तो हेडलाइट की बात करें, चाहे तो इसके टर्न इंडिकेटर्स वगैरह की बात करें, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। इसके अंदर इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो वो भी आपको स्पीड 400 वाले ही इसके अंदर मिलेंगे, उसमें भी कोई किसी तरह का कोई सेटअप आपको नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो इसके टायर साइजेस की बात करें तो टायर साइज आपको सेम 17 इंचेस का जो है आपको फ्रंट और 17 इंचेस का इसके अंदर रियर मिलेगा, लेकिन इसकी साइड बोल जो है आपको थोड़ी कम थिक जो है मिलने वाली है। इसके अंदर टायर साइज मिलता है आपको 110/70/17 का जो है आपको टायर साइज मिलता है। वहीं अगर स्पीड 400 की बात करें तो वहाँ पर आपको 110/80/70 का टायर साइज आपको जो है दिखाई देने वाला है। बाकी 10 spoke का आपको इसके अंदर जो है अलॉय व्हील्स फ्रंट में दिखाई देने वाला है। ऑल ओवर फ्रंट से जो है मोटरसाइकिल कुछ इस तरह की आपको दिखाई देने वाली है। इसके अगर डिजिटल क्लस्टर की बात करें तो वो भी आपको सेम दिखाई देगा, हाफ इसके अंदर एनालॉग वाला दिखाई देगा और हाफ इसके अंदर आपको जो है ये डिजिटल वाला इसके अंदर मिलने वाला है। 6-speed के गियर बॉक्स के साथ ये आती है सशक्त, और इसका हैंडल बार वगैरह भी आपको जो है इसके अंदर कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्विचेस जो है मिल जाते हैं, हैजार्ड से जुड़ा सेट किल स्विच यहाँ पर मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है और ये सब स्विचेस आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देंगे। इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो वो आपको सेम पहले जैसा ये स्पीड 400 वाला ही इसके अंदर मिलेगा, जो कि है 13 liter का आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो वो आपको सेम स्पीड 400 वाला ही मिलने वाला है, जो कि है 13 liter का। बस उसके ऊपर आपको कुछ ग्राफिक यहाँ पर दिखाई देंगे, स्पीड 400 की बैजिंग इसके अंदर मिल जाती है, तो कुछ इस तरह से ये जो है इसका फ्यूल टैंक आपको दिखाई देने वाला है। साथ साथ इसमें अगर सीट कुशनिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको बेहतर सीट कुशनिंग मिलेगी एज कम्पेयर टू द स्पीड 400। वैसे तो उसके अंदर भी अब थोड़ा सा सीट कुशनिंग को एनहांस कर दिया है, मतलब 10 mm सीट की कुशनिंग को बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा थिक जो है सीट की कुशनिंग को कर दिया है। वहीं इसकी सीट हाइट के बारे में बात करें तो 806 mm की इसकी जो है सीट हाइट मिलने वाली है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपको 803 की सीट हाइट ऑफर करती है। बाकी साइड देखते हैं आपको साड़ी कट दिखाई देता है, डिस्क साइजेस आपको दोनों के बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। जहाँ फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क मिलता है, वहीं रियर में आपको 230 mm का डिस्क जो है मिलने वाला है। रियर में सेम आपको टेल लाइट सेटअप मिलने वाला है, उसका सेम डिज़ाइन आपको पहले वाली जैसा आपको स्क्रैम्बलर में या फिर ट्रैम की स्पीड में 400 में जो आपको दिखाई देता है सेम वैसा ही इसके अंदर दिखाई देगा। बस थोड़े बहुत ग्राफिक्स जो है आपको इस जगह पे ये मिलने वाले हैं, LED टर्न इंडिकेटर इसमें दिखाई देने वाले हैं। और साथ ही साथ टायर साइज की बात करें तो 140 सेक्शन का इसके अंदर 7 inches का टायर मिलेगा, जो कि 10 spoke अलॉय व्हील्स के साथ ही इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ ऑफर किया जाता है आपको नया एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट की बात हो गई है तो एक बार एग्जॉस्ट नोट भी इसका सुन लेते हैं। बाकी ये थे एक मेजर चेंजेस या फिर मेजर हाईलाइट जो इस मोटरसाइकिल में आपको मिलने वाला है। बाकी इसके मिरर्स की बात करें तो वो भी आपको इसके अंदर डिफरेंट जो है आपको दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू द स्पीड 400। अब स्पीड 400 में दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। उससे पहले इसके कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप बाइक आपको 3 color ऑप्शन में जो है मिलने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में कि क्या क्या आपको इसके अंदर चेंज मिलता है। वैसे प्राइजेस के बारे में बात करूँ तो पहली जो स्पीड आती थी, मतलब इससे पुराना वर्जन, वो आपको 2,34,000 रुपये एक्स शोरूम में मिलता था। वहीं इस बाइक का एक्स शोरूम आपको
2,40,000 रुपये में मिलने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपये का गैप आया है, उसके अंदर आपको मिलते हैं एक नई पेंट स्कीम आपको दिखाई देने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर इसके अंदर मिलने वाले हैं। चाहे तो इसके अंदर आपको क्लच लीवर की बात करें, चाहे तो ब्रेक लीवर की इसके अंदर बात करें, ये आपको जो है एडजस्टेबल इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब इसके टायर साइज के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज इसके अंदर हो गया है। इसका साइड वॉल जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, इसके अंदर जो है वेडस्टीन के टायर दे दिए गए हैं 110, 70, 17, ये पहले टायर साइज आता था, लेकिन अब इसके अंदर 110, 80, 17 ये टायर साइज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। डिस्क वगैरह आपको बिल्कुल सेम इसके अंदर मिलने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला है। चाहे तो फ्रंट डिस्क की बात करें, चाहे तो रियर डिस्क की बात करें, बिल्कुल सेम आपको इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। बाकी नई पेंट स्कीम आपने देख ही ली है इसके अंदर। सीट कुशनिंग जो है इसके अंदर बढ़ा दी गई है 10 mm की, उस साथ नया एग्जॉस्ट आपको इसके अंदर जो है मिलने वाला है। अब इसकी सीट हाइट भी पहले से बढ़ गई है, पहले इसके अंदर 790 mm आती थी, अब इसके अंदर 803 mm की सीट हाइट इसके अंदर जो है मिलने वाली है। बाकी अब बात करते हैं इसके प्राइसेस के बारे में। पहले वाले वर्जन से 5,500 रुपये आपको इसके ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको थोड़ी सी कुशनिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, इसका जो है थोड़ी सीट हाइट आपको थोड़ी सी बड़ी ही मिलेगी, यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर आपको जो है मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वेडिस्टन के टायर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। बाकी अब अगर इससे कंपेयर करें तो इसमें आपको पूरे 23,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको 23,000 रुपये में ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क भी इसके अंदर मिलने वाला है। सो गाइस, कौन सी बाइक आप पिक करना चाहेंगे, 2,17,000 रुपये एक्स शोरूम में इसको, या फिर 2,40,000 रुपये एक्स शोरूम में इस पुराने वर्जन को जो कि अब अपडेट कर दिया गया है। प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स लाइफ को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज आयुष गुप्ता साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।